हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नूडल्स का पुलाव बनाना बता रहे हैं। इसमें दो तरीके के नूडल्स पड़ते हैं, एक तो मैगी और दूसरा इंडोमी। इंडोमी अगर ना अवेलेबल हो तो वाई वाई या कोई और भी फ्राइड नूडल्स ले सकते हैं, चिंक सीक्रेट वाला भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही खिला खिला सा नूडल होते हैं, तो इसलिए उनको पुलाव कहते हैं। और यकीन मानिए, आप कोई पार्टी वगैरह है तो इसको एज ए साइड डिश भी बना सकते हैं। और जब ये आप बनाने के बाद में फर्स्ट दो तीन स्पून खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत मज़े का पुलाव बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये नूडल्स का पुलाव। सबसे पहले हमें 2 कप पानी बहुत अच्छी तरीके से उबालना है। अब इस 2 कप पानी में हमको 2 चम्मच देसी घी डालना है। अब पानी और देसी घी के इस जो मिक्स है, इसमें हम दोनों मसाले मिलाएंगे, मैगी के और इंडोमिन के, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो पहले हमने उसमें इंडोमिन का मसाला मिलाया था, अब हम इसमें मैगी वाला मसाला मिलाएंगे और इसको मिलाने के बाद में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लम्प्स नहीं रहने चाहिए, लम्प्स फिर बाद में मुँह में आते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं जाता है। तो ये हमारा मैगी का मसाला और इंडोमिन का मसाला गया। अब इसमें हमारे दोनों मसाले आ गए। अब ये हमारा स्वीट कॉर्न आया है, हरा धनिया, हरी मिर्च चाहिए, और हम इसमें अब थोड़ा सा लौंग का पाउडर मिलाएंगे। लौंग का पाउडर ज़रूरी है क्योंकि पुलाव बन रहा है। तो आपको लगेगा जनरली एक मैगी बना रहे हैं, मैगी नहीं बना रहे हैं, नूडल्स का पुलाव बना रहे हैं। उसका टेस्ट जब आप खाएंगे ना बाद में, तो आपको पता चलेगा कि हम इसको बार बार पुलाव क्यों कह रहे हैं। तो एनीवेज, तो ये हमारा मसाला और लौंग ये सब चला गया। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अब ये हमारा सारा सामान जो है ये बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। अगेन आई इंसिस्ट कि नूडल्स ऐड करेंगे, क्योंकि 2 तरीके के नूडल्स यूज़ होने हैं इसमें। एक तरीके के नूडल्स से ये उस क्वालिटी का नहीं बनेगा जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आपने देखा पानी बिल्कुल बराबर का सा है, और बराबर का और ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको इसको बनाना है। इसको रोकना नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल करना है। और जब ये बॉईल, जैसे ये बबल छूटने लगेंगे तो आपने इसको जो है थोड़ा सा सिम कर देना है। और अब ये आपके बस 1 या 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। अब ये मैगी हमारी लगभग तैयार है, इसको हमें थोड़ी सी सीजनिंग करनी है। तो हम इसमें करीब 1 छोटा टीस्पून देसी घी और डालेंगे, और हम और उसके बाद में हम इसको बंद करके इसकी आँच, आपने देखा है कि खेली खेली अभी हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि खेली खेली करनी है हमें। जो बिल्कुल एक पुलाव वाला जो होता है ना, खिला खिला सा दाना है, अभी हमने देसी घी डाला है। तो देसी घी से इसकी, और पहले हमने देसी घी डाला था, अब हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाला है और इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। तभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से फिर से मिला दिया हमने। अब हम इसको जो है थोड़ा सा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। अब इसकी फ्लेम बंद करके और हम इसको जो है ढकने वाले हैं, और फिर थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो ये पूरा खिला खिला पुलाव बनेगा। अब हम इसको, इसकी प्लेट उठाएंगे और आप इसकी ब्यूटी देखना, ही अपने आप ही खिल जाता है। इसमें कुछ चम्मच वम्मच चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। होपफुली देखिए, 1 2 3। अब इसको हम देखते हैं, मैं आप इसमें थोड़ा चम्मच लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें अभी कुछ भी घुमाया फिराया नहीं है। ये देखो आप, ये अपने आप ही ना इतना खिला खिला सा पुलाव बन जाता है। ये देखो आप, इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने मिक्स किया हो या कुछ है। ये देखो आप, है ना। अब हम इसको जो है, आप देखो पुलाव है ना, ये बिल्कुल राइस जैसा पुलाव बन जाता है। तो बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इजी ट्रिक है और बहुत जल्दी बन जाता है। और आप ना इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। कभी कभी जैसे पार्टी होती है तो साइड डिश में आप एक बार ये भी बना के रख दो। तो मैंने एक बार बनाया था इसको ब्रेकफास्ट में, बहुत पसंद आया था लोगों को। ये देखिए आप, इसमें स्वीट कॉर्न और ये सब डाल के बहुत अच्छा बन जाता है। वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल्स नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना किसी वेजिटेबल की कुछ और कंसिस्टेंसी होती है। तो मैं अपने सेफर साइड पे सिर्फ कॉर्न के साथ में ही इसको बनाती हूँ।
मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया कि ऐसे नूडल्स का पुलाव बनता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिर्फ मैगी का ही क्यों नहीं बनाती हो, तो क्यों कहते हो कि इंडोमिन या वाई वाई नूडल्स ज़रूर पड़े होने चाहिए। एक्चुअली में मैगी का बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही तरह के मसाले का टेस्ट आएगा। इंडोमिन या वाई वाई नूडल्स का एक पैकेट डालने से क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाता है, तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब मैंने ये बहुत एक बार इमरजेंसी में बनाया था, कई लोगों के लिए नूडल्स बनाने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ये वाई वाई या इंडोमिन नूडल भी डाल लेती हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, पर वही इतना बढ़िया बन गया, फिर मैं अब इसे अक्सर बना लेती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है।